सारी चीज़ें रिफ्रेश होकर आपको दिखेंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, और ये है दोस्तों आज का हमारा अर्निंग, यहाँ पर आप देख सकते हो टुडे का अर्निंग। और हम काफ़ी सारे चैनल पे फीचर भी हो चुके हैं, लाइक मनोज डे के सर के चैनल पे फीचर हुए थे, तो वहाँ पर जो भी हमारा चीज़ था वो सारा वेबसाइट के थ्रू हम वहाँ पर गए थे, फीचर हुए थे। जो अमेजन एफिलिएट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल आउट भी किया, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू हमने बनाया है। और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे एकदम, कैसे आप एफिलिएट भी कर सकते हो वेब स्टोरी के थ्रू। $500 दिन का और $500 महीने का आपको चूज करना है कि किस कंट्री के लिए आपको काम करना है, कहाँ पे काम करना है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस कॉन्टेंट को वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और वाईटी ज्ञान के एक और इस नए धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली आज का ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, एंड इस वीडियो के लिए आपके इतने सारे कमेंट्स आए भाई लोग, यार मैं कह नहीं सकता कि कितने सारे कमेंट्स आए। काफी सारे लोग, कम्युनिटी पोस्ट में हमने एक पोस्ट डाला था, एक अर्निंग प्रूफ आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें भी आपके काफी सारे कमेंट आए थे कि वेब स्टोरी के ऊपर पूरा फुल केस स्टडी लेकर आओ, कैसे शुरू से हम लोग वेब स्टोरी को क्रिएट करना है और उस पर ट्रैफिक कैसे लेकर के आना है, पूरा प्रोसेस, फुल केस स्टडी आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, एंड ऐसा वीडियो यार आपको बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, तो आप लोग इस वीडियो को प्यार जरूर से देखना, लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेब स्टोरी क्या होता है, पूरा फुल केस स्टडी। और लास्ट वाला वीडियो हमारा वेब स्टोरी के ऊपर आया था, जिसमें हमारे जो गेस्ट थे उनका नाम अखिलेश खान सर था, और उन्होंने सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर वेब स्टोरी से, वेबसाइट से 1 CR यानी 1 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था। 1.5 CR, हाँ 1.5 CR यानी 2-3 सालों के अंदर 1.5 CR का रेवेन्यू बनाया था, और सिर्फ 6 से 7 महीने में 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। Yes. वो भी सिर्फ गूगल वेब स्टोरी के थ्रू। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये चीज हुआ कि हम लोग भी ये चीज करें, तो आप में से काफी सारे लोगों ने कहा, और फाइनली आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने भी वेब स्टोरी पे काम किया है, हम भी करते हैं, हमारी भी 3 वेबसाइट है, तो हम भी यहाँ से अर्निंग करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हवा में आपको बताई जा रही है, और हम काफी सारे चैनल पे फीचर भी हो चुके हैं, लाइक मनोज डे के सर के चैनल पे फीचर हुए थे, तो वहाँ पर जो भी हमारा चीज था वो सारा वेबसाइट के थ्रू हम वहाँ पर गए थे, फीचर हुए थे, और सारा चीज वेबसाइट के थ्रू ही वहाँ पर डिस्कस हुआ था। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको पूरा केस स्टडी बताते हैं, पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वेब स्टोरी कैसे बनाना है, आपको कंटेंट कहाँ से ढूंढना है, और उसको कैसे क्रिएट करना है, और उस पर व्यूज कैसे लेकर आना है, ट्रैफिक कैसे लाना है, पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे। और आज की इस वीडियो में आपको फ्रेम में 2 लोग दिख रहे होंगे, और रीजन ये है कि देखो YouTube का जो भी काम होता है, इस चैनल पे आप जो भी कॉन्टेंट देखते हो वो मैं शूट वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। भैया का जो काम होता है वो होता है वेबसाइट से रिलेटेड, भैया वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, वेबसाइट मैनेज करते हैं, और मेरा काम यूट्यूब पे होता है, तो भैया को ज्यादा नॉलेज है वेब स्टोरी के बारे में, कैसे क्या करना है, भैया ही ज्यादा क्रिएट भी करते हैं वेब स्टोरी। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ हमारे भैया भी हैं, मेरे ही भैया ये सगे भाई है, ठीक है। तो भैया आपको पूरा बताएंगे, और मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, वेब स्टोरी। मैं भैया से क्वेश्चंस करने वाला हूँ कि वेब स्टोरी क्या होता है, एक बिगिनर की तरह मैं क्वेश्चन करूंगा। आप में से जो लोग भी नए होंगे तो मुझे पता है कि माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वही सारी चीजें मैं भैया से पूछूंगा, एंड भैया उसका आंसर देंगे, और लाइव आपको पूरा डिस्प्ले पे सारा चीज दिखेगा भी, एक चीज सारी चीज दिखाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे जो लोग भी नए हो भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, और आप ऑनलाइन पैसा बनाने में आपको काफी मदद करेगा ये वाला चैनल, ठीक है। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को कुछ अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा ट्रस्ट हो कि हाँ हम लोगों ने भी यहाँ से पैसे बनाए हैं, और तभी आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपना एक एडसेंस खोल लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, और यहाँ पर गूगल एडसेंस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से साइन इन पे क्लिक करते हैं, सारी चीजें रिफ्रेश होकर आपको दिखेंगी, ठीक है। साइन इन पे क्लिक कर दिया हमने, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। और यहाँ पर देखो, और ये है दोस्तों आज का हमारा अर्निंग, यहाँ पर आप देख सकते हो टुडे का अर्निंग $76 है, ठीक है। और ये यस्टरडे का अर्निंग आप देख सकते हो $44, और ये लास्ट 7 डेज का, दिस मंथ का सारा आप अर्निंग देख लो। एक चीज हाँ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये सारा वेब स्टोरी के थ्रू हो रहा है, और जो भी चीजें हमने प्रैक्टिकली की, क्योंकि केस स्टडी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें की जाएंगी और कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं है।
तो ये सारा ट्रैफिक आप लोग ये देख सकते हो, क्लास जो पेमेंट आया है 164 का था, जो पे आउट निकल चुका है और इस मंथ का $686 है। सारा चीज आपको लाइव दिख रहा है डिस्प्ले पे, कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है, पूरा रिफ्रेश करके हम आपको दिखा रहे हैं। और अर्निंग के साथ साथ आप यहाँ पर आरपीएम भी देख सकते हो, $3 का आरपीएम मिल रहा है, ठीक है, जो कि काफी बढ़िया आरपीएम है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बार आइए एक बार और रिफ्रेश करके इसको दिखा देते हैं, एक बार और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, टुडे का अर्निंग $76, यस्टरडे का $44। एक चीज यहाँ पे और मैं कहना चाहूंगा कि हमने वेब स्टोरी के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग भी किया है, जो अमेजन एफिलिएट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल आउट भी किया, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू हमने बनाया है। और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे एकदम, कैसे आप एफिलिएट भी कर सकते हो वेब स्टोरी के थ्रू। देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी वेबसाइट के बारे में, तो नॉलेज पूरा भरपूर आपको मिलने वाला ही है। वेब स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताने वाले हैं, और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि वेब स्टोरी के थ्रू आप अमेजोन का जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है वो कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अमेजोन एफिलिएट से भी काफी बढ़िया पैसा निकाला है, हो सके तो उसका भी डाटा मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा यहाँ पर, आप एक दो वेब स्टोरी दिखा देंगे उसका भी। हाँ, वेब स्टोरी भी दिखा दूंगा, हमने कैमरे उमरे पे वेब स्टोरी बनाया, स्मार्टफोन के ऊपर बनाया है, तो सारा रैंक हुआ है और वहां से बिका भी है, तो वहां से हमें कमीशन भी मिला है अमेज़न एफिलिएट से। तो एफिलिएट से भी हमने पैसे बनाए और वेब स्टोरी से भी बनाए, और उसका प्रोसेस भी बताएंगे कि आप लोग भी कैसे कर सकते हो अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, यानी दोनों से कैसे पैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ना कि वेब स्टोरी एक्चुअली में होता क्या है। वैसे हम इस पे डिस्कस तो कर चुके हैं, बट आप में से जो लोग भी नए होंगे तो भैया थोड़ा उनको बताइए आप कि वेब स्टोरी क्या होता है, कैसे काम करता है। वेब स्टोरी वो होता है एक, जैसे हम लोग जब गूगल का उस अपने फोन में जब खोलते हो आप, तो एक नहीं स्लाइड वाइज वो जो एक वो फ्रेम आता है डिस्कवर, हाँ डिस्कवर बटन का जो होता है, मतलब गूगल का ही है, वो स्लाइड वाइज आता है, चीजें दिखाता है, बस एक इमेज होती है, उस पे थोड़े बहुत टेक्स्ट फॉर्म में कुछ लिखा होता है, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होता है उस चीज के बारे में, थोड़ा सा ऐसी स्लाइड वाइज होता है, वही मतलब गूगल वेब स्टोरी होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है, जैसे कि इंस्टाग्राम का स्टोरी टैब देखने को मिलता है, यूट्यूब का भी स्टोरी टैब है, मतलब सभी प्लेटफॉर्म का स्टोरी टैब है, तो उसी चीज को देखते हुए गूगल ने भी अपना एक स्टोरी टैब को लॉन्च किया जिसका नाम गूगल वेब स्टोरी है, जिसपे आप स्टोरी वगैरह क्रिएट करके वहां से अर्निंग भी कर सकते हो। तो गूगल वेब स्टोरी ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ना कि गूगल वेब स्टोरी काम कैसे करता है। बिल्कुल बताते हैं काम, मतलब उसमें क्या होता है ना, गूगल वेब स्टोरी एक वो होता है, मतलब आप थोड़े शॉर्ट फॉर्म में नॉलेज दे सकते हो वहां पे। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज देना है अगर, तो आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा प्रॉपर, एक लंबा चौड़ा जो 2000-3000 वर्ड्स का जो होता है आर्टिकल लिखना पड़ेगा। बट अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, तो आप गूगल वेब स्टोरी जरूर ट्राई करो और अच्छा खासा यहाँ से रेवेन्यू आप बना सकते हो। अच्छा, गूगल वेब स्टोरी बनाने के लिए क्या हमें डोमेन होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा? दोस्तों होता तो ये फ्री में भी है, बट ये अब फ्री नहीं रह चुका, क्योंकि एक मेक स्टोरी एक प्लगिंग आता है, ठीक है, ब्लॉगर आप लोगों को पता होगा, अगर ब्लॉगर जो है ब्लॉगर पे सारा चीज फ्री होता है, डोमेन भी होता है, बस कस्टम डोमेन आप ऐड कर सकते हो अगर लेना हो तो, वो भी फ्री होता है और होस्टिंग वहाँ पे फ्री होती है, जो गूगल का ही प्रोडक्ट है। बट वहाँ पे मेक स्टोरी जो प्लगिंग है वो वहाँ पे काम करती थी, बट अभी क्या है वो मेक स्टोरी जो प्लगिंग है वो पेड हो चुकी है, तो हम फ्री में उसको यूज अब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको मतलब बढ़िया यही रहेगा कि आप डोमेन और होस्टिंग लें और अच्छे से काम करो, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा, वरना इधर का हमारे उधर का हमारा कोई मतलब नहीं है फिर। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि क्या हमें वेब स्टोरी पे काम करने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फ्री में हम कर सकते हैं? देखो, मैंने बताया कि फ्री में कर सकते थे, बट वो अब प्लगिंग जो है वो पेड हो चुका है, मेक स्टोरी एक प्लगिंग आता है जो पेड हो चुका है, अब हम नहीं यूज कर पाएंगे। बट आपको दोस्तों सबसे बढ़िया यही है कि आप डोमेन और होस्टिंग ले लो, खरीद लो, उसके बाद आप काम अपना स्टार्ट कर दो, मतलब थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। मतलब जो लोग भी सोच रहे हैं कि हम फ्री में इस पे काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है फिर, वही है कि एफर्ट आप देते रहोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि डायरेक्शन सही होना चाहिए कुल मिला के, सही डायरेक्शन में अगर काम करोगे तभी आपको रिजल्ट भी सही मिलेगा। आप भूले भटके किधर भी काम कर रहे हो ऐसा नहीं होता है ना। अब देखो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग को लग रहा होगा कि यार ये चीज बेकार है, इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें पैसे लगाते हो तो आप बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ से काफी मोटा पैसा निकाल भी सकते हो, और काफी लोग निकाल भी रहे हैं। इवन यहाँ पर हमने अपना अर्निंग भी आपके साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मोड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना है। लाइक मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस, यस,
आपको किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करता है कोई, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे हैवी अमाउंट का निकालना है आपको, थोड़ा बहुत आपको लगाना। ये मत सोचो कि फ्री में चीजें हो जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे पिछले जो गेस्ट आए थे उन्होंने कम से कम 40 प्लस डोमेन पे काम किया है। तो 40 डोमेन आप समझ रहे हो कितना होता है। यहाँ पे लड़के जो है 1-2-3 डोमेन पे हार मान जाते हैं, एक ही डोमेन पे हार मान जाते हैं कि नहीं मेरे बस की नहीं है, नहीं हो रहा है, वो 40 डोमेन पे कैसे काम किया होगा बंदा। और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 6-7 महीने के अंदर 1.5 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है। तो यही है दोस्तों पावर। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? देखो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात अगर की जाए, तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे लिंक्स अगर आप परचेज करते हो होस्टिंग, तो आपको फ्री में डोमेन मिलेगा और होस्टिंग का बस पैसा आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक होस्टिंगर का लिंक देखने को मिल जाएगा। होस्टिंगर सबसे चीप प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी देता है, बेस्ट यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलती हैं, और सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप शुरू में वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आपको होस्टिंगर से ही लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो उनका सर्विस देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है और काफी चीप प्राइस में मिलता है। और उनकी जो सर्विस है बहुत बेहतरीन और बेस्ट सर्विस होती है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट उनका मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इवन यहाँ पर हम लोग भी होस्टिंगर का ही होस्टिंग यूज करते हैं, और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अगर होस्टिंग को परचेस करते हो तो वहां पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा 10% का, और उसका पूरा डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यही कहूंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हमारे लिंक से जा सकते हो। तो अगर आप हमारे लिंक से लेते हो तो क्या होगा कि हम आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। अगर हमारे आप जो अपना इनवॉइस का डिटेल्स है हमको मेल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे भेजिए, हम आपको थोड़ा बहुत जो भी हमसे हेल्प हो सकता है, जो भी चीजें अगर हो सकती है, सारी चीजें हम हेल्प करेंगे आपको। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि डोमेन होस्टिंग को परचेस करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा। डोमेन होस्टिंग अगर आप खरीद लेते हो तो उसको कनेक्ट कीजिए, और जो भी इम्पोर्टेंट प्लगइन्स होते हैं जो भी उसको इंस्टॉल कीजिए, जैसे रैंक मैथ हो गया, एसईओ के लिए होता है, और जो भी मतलब यहाँ पे हम डैशबोर्ड में दिखा दे क्या चीजें, चलो सीधे हम स्क्रीन पे आते हैं। और यहाँ पे अपना देखिए, हम अपनी सारी वेबसाइटें यहाँ पे रिवील नहीं करेंगे, यहाँ पे बस एक डोमेन जो हमारा डोमेन बहुत ही पब्लिकली हर जगह पब्लिक है, सब लोग जानते होंगे, mobilegains.com, उसको हम लोग लेके चलेंगे। इसी पे हमने केस स्टडी भी बनाया है और सारी चीजें इस पे ही बताएंगे आपको, ठीक है? बिल्कुल। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, और आप लोग लाइक कर देना यार, क्योंकि आप पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग आपको सारी चीजें दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं फाइनली स्क्रीन के ऊपर, सीधा हम लोग वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं, ठीक है? ये देखो mobilegains.com आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये मैंने किया लॉगिन, ये मैनेज में ही करता हूँ, तो आप लोग नेम देख सकते हो वगैरह जो भी है, ठीक है? ये हमारा खुल गया, ठीक है? आपको सबसे पहले प्लगइन्स दिखाता हूँ, हम कौन कौन सा प्लगइन्स यूज करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम में हमारी वेबसाइट पे थोड़ा सा ट्रैफिक डाउन हो रखा है, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज्यादा ही हो रखा है, क्योंकि अभी जो हमारा फोकस है वो ज्यादा यूट्यूब पर है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा सा उस पर कम ध्यान दे रहे हैं, बाकी वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है? आप लोग काम का चीज देखो बस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारा प्लगइन्स जो है अपडेट मांग रहा है, हमने अपडेट तक नहीं किया है। आप देख सकते हो वेब स्टोरी, हम ये प्लगइन से एक अपड्राफ्ट प्लस है, ये बैकअप के लिए होता है, और ये अल्टीमेट ब्लॉक्स है, ये भी मतलब कस्टमाइजेशन में यूज होता है, और ये तो ये थीम वाला है जो हमने न्यूज़पेपर थीम का लिए रखा है, ये सारा उनका टूल्स है, और ये स्मस यूज करते हैं, जो हमारा जो भी फोटो वगैरह यूज करते हैं वो इसको क्या करता है, थोड़ा सा वो कंप्रेस कर देता है, जो भी हम लोग फोटो वगैरह अपनी वेबसाइट में जो भी यूज करते हैं स्मस क्या करता है उसको थोड़ा कंप्रेस कर देता है, तो उस पे थोड़ा सा वेबसाइट पे कम लोडिंग स्पीड सही रहता है उससे। हाँ, इस साइट किट तो है गूगल का, ये तो यूज करता ही हूँ, और ये है हमारा जो पोस्ट में थंबनेल वगैरह जो लगता है वो प्लगइन से, ये वाला। और एसईओ के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, रैंक मैथ यूज करता हूँ, और ये वन सिग्नल पुश बटन भी यूज करता हूँ। यहाँ पे हमारे मैं दिखाना चाहूँ, ये सब्सक्राइबर्स का काम करता है, जैसे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जब हमारा वीडियो आता है तो आप एक नोटिफिकेशन जाता होगा। हाँ, तो वही ये चीज काम करता है, वो जो भी वेबसाइट का जो भी आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसका नोटिफिकेशन पुश करता है। और आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ही देख के आप लोग दंग हो जाओगे। हाँ, वो रहा वन सिग्नल, कि हमारा यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस कितना है, आप लोग देखो ये वन सिग्नल में mobilegains.com का कितने लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखे हैं। ब्लर करना पड़ेगा चीजें, ठीक है? तो अब ये देखो,
यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो 44,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 45,000 आप इसको एक मोटा माटी भी समझ सकते हो। 45,000 लोगों ने हमारे जो वेबसाइट है उसका नोटिफिकेशन का अलाउ करके रखा है कि जो भी हम आर्टिकल वगैरह पब्लिश करेंगे तो उनपे वो नोटिफिकेशन जाएगा, तो इतने लोगों पे जाता है। और जैसे हम कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो इसी वजह से व्यूज भी काफी अच्छे आने लगते हैं। इससे सबसे बढ़िया पता क्या है, वन सिग्नल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मतलब अगर आप यूज करते हो तो डिस्कवर में आर्टिकल तुरंत चला जाता है, इंस्टेंट ट्रैफिक आता है ना, तुरंत रैंक तो होगा ही होगा और डिस्कवर में चला जाएगा आर्टिकल आपका सारा। ओके, तो अब हम थोड़ा प्लगइन्स देख लेते हैं। और रैंक में तो हो गया वन सिग्नल हो गया, और ये जेट पैक तो है ही, ये तो अपना वो ट्रैफिक वगैरह, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए है। हाँ, बाकी ये नॉर्मली आप लोग देख सकते हो जो मतलब सब लोग यूज करते हैं, मतलब वही है क्लासिक एडिटर पहले का था ये। एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊँ, ये 10 वेब बूस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, और आप इसको यूज करते हो तो आपकी वेबसाइट पे जो भी लोडिंग स्पीड है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई है, अगर ब्लॉगर जो देख रहा है अगर, या फिर जो काम कर रहे हो, इसको इंस्टॉल करके देखना एक बार, एक्टिवेट करके देखना आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी और बहुत ही हाईली स्पीड चलेगी। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़े बोनस टिप्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारी जो भी हमारी प्लगइन से अपडेट मांग रहे हैं, तो हम काफी दिनों के बाद ये सारी चीजें ओपन कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा थोड़ा ध्यान उस पे कम है। ज्यादा हमारा फोकस अभी के टाइम में YouTube पर है, क्योंकि YouTube पर आप लोग काफी बढ़िया प्यार दे रहे हो, तो इस वजह से थोड़ा सा हम उस पे कम एक्टिव है। नहीं नहीं, हम पता है क्या हुआ था, सतीश भैया से बात हुई थी, सतीश भैया से जब बात हुई थी हमारी, तो बोले थे भैया कि भैया ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं YouTube भी कर रहे हैं, तो फोकस नहीं हो पा रहा किसी एक पे, क्या करे कैसे मैनेज करे, तो भैया ने यही अपना सजेशन दिया था, मतलब जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, बोले कि आपको जिसमें मजा आ रहा है या फिर जो आप फ्यूचर में देख रहे हो उसको पकड़ो, उसको लेके चलो, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी, मतलब जो भी आप ग्रो कर लोगे, मतलब वही मैंने देखा, ब्रांड वैल्यू बनाना पहले जरूरी है। ब्लॉगिंग में क्या हो कि आप अंडरग्राउंड होकर ब्लॉगिंग करते हो, कल को अगर कुछ होता है तो कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और यूट्यूब पे ऐसा नहीं, यूट्यूब आपकी पहचान एक बार बन जाती तो लाइफ टाइम के लिए रहेगी, तो वही है, हमें यूट्यूब पे ज्यादा मजा आता है, बाकी पैसे इधर काफी ज्यादा बनते हैं भाई, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, और एडसेंस तो हमने आपको दिखाई दिया, बाकी यूट्यूब में भी काफी ज्यादा पैसा है, आपका जो मन वो कर सकते हो, ठीक है, हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। तो चलिए ये हमने प्लगइन्स को देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट कि वेब स्टोरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। चलो तो सीधा हम स्क्रीन पे चलते हैं। और वेब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि वेब स्टोरी के लिए भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, गूगल वेब स्टोरी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जितने भी है ये आता है आपको, देखो ये जो है ये गूगल का है, देखिये ये वेब स्टोरी जो है ना, आप यहाँ पे एड न्यू करोगे, ये देखिए यहाँ पे एड न्यू करेंगे, और दोस्तों डोमेन और होस्टिंग परचेस करने के बाद उसको कनेक्ट कैसे करना है इसका प्रोसेस यार, आप लोग कोई वीडियो देख सकते हो, आप हमारे गुरुजी का वीडियो देख सकते हो, सतीश के वीडियोस, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया है, और हम लोग भी बता देते ऐसे कोई बात नहीं है, बट ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा खिंच जाता भाई, बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता, तो इस वजह से हम डायरेक्ट प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्लगइन्स दिखा दिया, ये गूगल का ही ये प्रोडक्ट है, बाय गूगल यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये प्लगइन्स को यूज करके लड़के जो भी है छाप रहे हैं, अच्छा खासा छाप रहे, हमने भी छापा है, तो इस यही वाले प्लगइन को सबसे पहले हमें एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है, हमारा यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, हम अपडेट बाद में करेंगे, पहले चीजें आगे कर दें, ठीक है। ओके, तो हमारा वेबसाइट कनेक्ट हो गया है और आपने प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लिया, अब आइए अब हम आगे का प्रोसेस जानते हैं, तो अब इसको एक्टिवेट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी वेब स्टोरी यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ये स्टोरी वाले सेक्शन में मैं गया और ये खुल रहा है अपना, देखो मैंने बहुत ज्यादा इस पे वेब स्टोरी बहुत ज्यादा, देखो अभी एक आज ही बना रहा था एक अनटाइटल देख थ्री आवर एगो देख सकते हो, ये आप लोग के लिए बनाया था, देखो बाकी ये लोटो का जो भी जितने भी यहाँ पे कॉन्टेंट है ना सारे US के हैं, आप लोग देख सकते हो हमारा, और यहाँ पर आपको देखो बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 rupees, तो ये सारे एफिलिएट वाले हैं, और यहाँ से काफी अच्छा एफिलिएट भी बना है, देखो हमने स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, बिग बिलियन सेल के ऊपर जो भी स्मार्टफोन, मतलब जहाँ से पैसा बना सकते हैं वहाँ मैंने ट्राई किया था और काफी अच्छा ट्रैफिक आया, रिजल्ट भी हमें मिला है, और अमेजोन एफिलिएट से भी हमने काफी अच्छी अर्निंग की है। ओके, तो यहाँ पर वेब स्टोरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, जो प्लगइन्स जो आप एक्टिवेट किए हो यहाँ पे वेब स्टोरी का, यहाँ पे आ गए, ये ऐसे खुल जाएगा स्टोरी पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टोरी करोगे तो ये देखो ऐसा खुलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ से पूरा हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग लाइक जरूर से कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि हम लाइक कर देना यार मोटिवेशन मिलता है बहुत ज्यादा। अगर आप ऐसे प्यार देते हो तो और हमें अंदर से मोटिवेशन आएगा और केस स्टडी बनाने के लिए, तो आप लोग लाइक जरूर से करना। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्रिएट न्यू स्टोरी जब खोला है तो ये खुल गया है, और कैसे आपको बनाना है मैं यहाँ पे खुल चुका है देख सकते हो आप, और मैं यहाँ पे प्रॉपर एक वेब स्टोरी बना के दिखाऊंगा और कैसे आपको बनाना है और कैसे आपको कंटेंट कहाँ से उठाना है, एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो कोई डाउट? मेरा डाउट यही है और ऑडियंस का भी डाउट यही होगा कि वेब स्टोरी बनाने के लिए हमें कंटेंट कैसे रिसर्च करना है, हमें आइडिया क्या लेना है कि हम क्या किस पे वेब स्टोरी को क्रिएट करें कि ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिले। सबसे पहली चीज तो आप एक गूगल ट्रेंड है, ठीक है, गूगल ट्रेंड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप वहाँ पे ज्यादा एफर्ट दो। आप सीधा ना यूएस की साइट को चेक आउट करो, जैसे उस दिन जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने क्या कहा था कि यूएसए टुडे के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसी वेबसाइट के थ्रू हम एक वेब स्टोरी बनाएंगे, देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि हम इंडिया का ऑडियंस को हमें टारगेट करना चाहिए या फिर बाहर की कंट्री को? नहीं, अगर आप इंडिया का करोगे तो आप पता है महीने का $500 से $600 छाप पाओगे, मतलब निकाल पाओगे, बट अगर वही ट्रैफिक अगर यूएस से आता तो वो दिन का बनाएगा आपका, समझ रहे हो, $500 दिन का और $500 महीने का, आपको चूज करना है कि किस कंट्री के लिए आपको काम करना है, कहाँ पे काम करना है। अगर आपको ऐसा नहीं है कि इंडिया में ट्रैफिक नहीं आएगा, इंडिया पे भी आप अगर कंटेंट देते हो वेब स्टोरी के थ्रू तो वहाँ पे भी ट्रैफिक आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा, बट वहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू है बहुत ज्यादा कम, सीपीसी आरपीएम बहुत ज्यादा कम मिलता है, दिल टूट जाता है एकदम, ये है ना धड़कन बंद हो जाती है एकदम। और दोस्तों शुरू में जो हमने अपना एडसेंस दिखाया था उसमें आपने देखा था $3 का आरपीएम था। हाँ। तो वो रीजन यही था कि वो जिस जो भी उस पर ट्रैफिक आता है वो सारा टीयर वन कंट्री से आता है, लाइक यूएसए कनाडा ये सारी चीज हो गई। तो इस वजह से आपको भी ऐसे कंट्री को टारगेट करना है जहां पर ट्रैफिक आपके वेब स्टोरी के ऊपर बाहर से आए। इंडिया से अगर ट्रैफिक आएगा तो काफी ज्यादा कम अर्निंग होगी, सारी चीजें भैया ने बताई दी। तो आइए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कंटेंट हमें कैसे उठाना है, ठीक है, रिसर्च कैसे करना है, तो जानते हैं। सीधा हम चलते हैं यूएसए साइड पे, यूएसए टुडे पे, अब यहाँ पे आपको फिल्टर करना है कि सबसे बेस्ट कंटेंट क्या हो। देखो यहाँ पे कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल से आप वेब स्टोरी बनाओ कौन चल जाए कोई नहीं जानता यहाँ पे, तो आपको ट्राई मारते रहना है। देखो आप जब स्टार्टिंग में जब वेब स्टोरी बनाना स्टार्ट करोगे ना, जब मैं भी पहली बार जब बैठा था वेब स्टोरी बनाने तो मुझे घंटों लग गए थे, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, अभिषेक को पता है जब मैं बैठा था तो दिमाग एकदम ना खराब हो गया था, बट मैं देख रहा था कि जो पैसे छाप रहे थे, जो बना रहे थे अच्छे, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में ही थे, अच्छा खासा पैसा बना रहे, तो मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता था कि यार जब वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने भी किया और टाइम थोड़ा लगा सीखने में, बट जब मैं सीख गया तो एक वेब स्टोरी बनाने मुझे 5 मिनट से 10 मिनट बहुत ही कम समय में मैं बना लेता हूँ, तो दिन के मैं कम से कम 10 वेब स्टोरी बनाता था उस समय की बात बता रहा हूँ जब ट्रेंड आया था, ठीक है। अभी तो हमारा फोकस कहीं और है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे चीजें दिखाएंगे और कैसे करना है आपको, अगर आपको करना हो तो आप प्लीज ट्राई करिएगा अगर आपके पास टाइम। ओके, तो इस वेबसाइट में दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि इसमें आपको पूरा टोटल जो भी कैटेगरी है वो सारा चीज देखने को मिल जाता है। लाइक यूएसए का अगर आप स्पोर्ट के ऊपर काम करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स का भी कैटेगरी यहाँ पर, एंटरटेनमेंट भी है, मनी मेकिंग भी है, टेक भी है, ट्रैवल भी है, आप जिस पे काम करो उस पे सारा चीज। तो हम भाई आपको पता है फाइनेंस में ज्यादा सीपीसीआर पे मिलता है, तो हम जाएंगे सीधा मनी वाले सेक्शन में, देखते हैं इधर क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी क्या है, कोला सीन 83%, ये तो चलो यूएसए कुछ वो है डेटा वगैरह दिखा रखा है ये। चलो ये देखो मोर टॉप स्टोरी में क्या आता है, 1 मिलियन विनर्स फ्रॉम मेगा मिलियंस हिस्टोरिक जैकपॉट, ये एक वो है क्या कहते हैं जैकपॉट, मतलब यहाँ पे एक ना वो लॉटरी सिस्टम है, यहाँ पे देखा जाए तो लॉटरी वगैरह जो है उससे रिलेटेड ये कंटेंट आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत, क्योंकि देखो लॉटरी का मतलब क्या है, जब मैंने टिकट या फिर कुछ भी मैं लॉटरी से रिलेटेड चीजें खरीदता हूँ तो मैं ज्यादा सर्च करूंगा यार रिजल्ट आया कि नहीं, ऐसा यूएस में होता है, वहाँ की जो ऑडियंस होती है अगर लॉटरी वगैरह जो खरीदती होंगी वो अपना नाम या फिर जो भी चेकिंग करने के लिए गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करती हैं कि मेरा नाम आया कि नहीं, या फिर रिजल्ट वगैरह चेक करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे $1 मिलियन विनर्स फ्रॉम मेगा मिलियन हिस्टोरिक जैकपॉट, ये एक न्यूज़ है, यहाँ पे अगर हम खोलते हैं इस चीज़ को
और ये सारी चीजें यूएसए में ज्यादातर चलती है और इसपे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आता है और आरपीएम तो भाई पूछो मत, बहुत तगड़ा मिलता है। लार्जेस्ट मेगा मिलियन जैकपॉट हैड मल्टीपल $1 million विनर अक्रॉस द यूएस। वाह, ये बहुत ही ज्यादा मतलब वैसा न्यूज है, मतलब जो विन क्या कहते हैं जो लॉटरी वाले उनके लिए। और ये ना चलो सबसे पहले धमाका न्यूज कह सकते हैं, प्रूफ दिखाता हूँ। ओके, इससे रिलेटेड एक प्रूफ दिखाता हूँ, आप प्रूफ देखो पहले। ये देखो ये क्या है, ये नहीं, ये कौन सा स्टोरी था मेरा, ये देखो ये देखो ये वाला देख सकते हो आप। टू क्लेम $1.34 billion मेगा मिलियन लॉटरी प्राइस। ये देखो मैं इसको खोल के भी दिखाता हूँ आपको, इस स्टोरी को मैं खोल के दिखाता हूँ। या फिर देखो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी बना रखी है उससे रिलेटेड ही है और यहाँ पे ट्रैफिक भी आया है। मैं आपको ना सर्च कंसोल का भी डाटा दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखो मैंने बना रखा है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस कॉन्टेंट को वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है और थोड़ा प्लैरिज्म रिमूव किया यहाँ पे और चीज़ों को सही से मैंने मेंशन किया है ताकि जो भी ऑडियंस यहाँ पे आती है तो यूएसए ट्रैफिक लाने का एक तरीका है ये मतलब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी वेबसाइट से वो कंटेंट कॉपी करके उसके ऊपर अगर डायरेक्ट वेब स्टोरी बना देते हैं तो क्या कॉपीराइट का कुछ सीन देखने को मिलना ही नहीं? ऐसा नहीं है। आप ना, मैं यहाँ पे मेथड बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि गूगल भी भाई गूगल का ही है तो गूगल समझ जाएगा कि इसको रैंक करना है कि इसको नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज, अभी तो चैट जीटीपी आ चुका है, आपको जब मैं करता था उस समय चैट जीपीटी नहीं था तो मैं बहुत ही मतलब माइंड से करता था ताकि दिक्कत ना हो, है ना। अभी क्या कि चैट जीपीटी आने की वजह से क्या है ना कि बहुत ज्यादा लोग चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट को लिख रहे हैं, लिख के एकदम दबा के, आप यकीन नहीं करोगे, ये कोई बताएगा नहीं आपको। चैट जीपीटी की जैसे जो भी जितने भी एआई टूल्स हैं उनका यूज करके अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं लोग और अभी भी बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। लोग कहते हैं कि एआई टूल्स आया है तो जॉब खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है, आप उनकी हेल्प से चीजें और आसान हो गई हैं, आप यकीन नहीं करोगे। पहले कंटेंट लिखने में लोगों को पता नहीं कितने दिन लगते थे, 3000 वर्ड का अगर आर्टिकल लिखा जाए तो 3 दिन लगते थे, ठीक है। अभी चैट जीटीपी से हमने एक पाकिस्तानी ब्लॉगर के साथ पॉडकास्ट किया था, उस बंदे ने फाइनेंस नीच में जब चैट जीटीपी आया था स्टार्टिंग में उनके थ्रू उन्होंने कंटेंट लिख के अच्छा खासा पैसा बनाया है, आप समझ सकते हो। वो भी पाकिस्तान से। ओके भाई, पाकिस्तान से। ओके, तो चलिए भाई हम प्रोसेस के बारे में जानते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने ये आर्टिकल खोलिया, इस आर्टिकल के बारे में मुझे ज्यादा कुछ वो रिसर्च नहीं कर, रिसर्च का मतलब क्या है आपको थोड़ा वो देखना है कि आपको दिमाग से सोचना है कि ये चले ये उसमें क्या, इसको सर्च करते होंगे लोग या देखते होंगे नहीं। इसको अगर हम देखा जाए, ठीक है, मैं इसको ना सीधा क्या करता हूँ, मैंने यूएसए टुडे की साइट पे आया और यहाँ से इस आर्टिकल से मैं वेब स्टोरी बनाऊंगा, बनाते जाऊंगा। दिन में कम से कम 10 वेब स्टोरी आपको बनानी है तभी जाकर आपको रिजल्ट देखने को मिला। आपने एक स्टोरी बनाई और 4 दिन गायब रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना और ऐसा करोगे भी तो नहीं चलेगा, आप पैसा अपना वेस्ट कर दोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना। और दोस्तों सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको हमने काफी अच्छी वेबसाइट भी बता दी है जिसमें आपको सारे कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं, तो आप किसी पे भी एक पकड़ के काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सीधा आते हैं वेब स्टोरी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वेब स्टोरी बना के दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। ये हमने आपको एक एज अ प्रूफ दिखाया है कि देखो मैंने बना रखा है, यहाँ पे ट्रैफिक आया और अच्छा खासा मैंने रेवेन्यू भी बनाया है, ठीक है। अभी हम लोग कंसोल में भी चलेंगे, सर्च कंसोल में चलेंगे और पूरा डाटा आपको दिखाएंगे कि कितना व्यूज ट्रैफिक आ रहा था हमारे वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले हम चलते हैं, पहले वेब स्टोरी बनाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज का वेट कर रहे होंगे कि चलो जल्दी से बताओ कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, ये मैंने टैब खोला तो था, ये देखो अब यहाँ पे क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि आपको कंटेंट देखना है कि ये आपको कंटेंट जो भी है, जो भी आर्टिकल वगैरह जिससे आप वेब स्टोरी बनाओगे वो किससे है रिलेटेड, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जो ये इमेज है बैकग्राउंड में जो भी इमेज है उससे रिलेटेड इमेज लगाना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसा इमेज लगाओ कि जो भी ऑडियंस यहाँ पे है ना अट्रैक्टिव लगे थोड़ा, है ना, अट्रैक्टिव होना चाहिए तभी क्लिक करेगा कोई ऐड पे, वरना कोई नहीं करेगा कुछ भी बना रहे हो। मैं यहाँ पे इमेज पे जाता हूँ, इमेज सेक्शन में इंसर्ट में, और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इमेज आ रहे हैं। देखो उतने अट्रैक्टिव, देखो यहाँ पे डॉलर का साइन, डॉलर सर्च करते हैं देखते हैं क्या आता है। देखिए ये डॉलर आ गया यहाँ पे, अच्छे खासे डॉलर के यहाँ पर हमें इमेज ले लेना है। देखो और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कम से कम आपको 7 से 8 स्लाइड बनाने हैं,
ये मैं पूछने वाला था कि हाँ कितना जरूरी है वेब स्टोरी के अंदर स्लाइड्स को, पेजेस को क्रिएट करना, क्योंकि अगर एक एड, जो भी एड वगैरह आते हैं, कम से कम 7-8 आप स्लाइड जब तक नहीं बनाऊंगे तब तक एड्स नहीं आएंगी। ठीक है, मैं जब स्टार्टिंग बनाता तो 10 से ज्यादा बनाता, 10-12-13 स्लाइड बनाता था, और एक बार आप सीख गए ना चीजों को बनाना तो बहुत आसान है बनाना। अभी आपको भी लगेगा कि देखो कितना आसान है, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो ये दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, ये 7 स्लाइड मैंने बना दी। ठीक है, कोई डाउट बोलो। तो हाँ, हम लोग एक पे देख लेते हैं, एक पे देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको जो देखना है, जो कोई सा भी ले। अच्छा, इसमें जो भी इमेजेस आ रहे हैं तो इनका यूज हम कर सकते हैं? हाँ, ये इनके ही है, गूगल के ही है इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐप में ही है। मैं कोई अलग से इनको डाउनलोड करके नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, अलग से आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, बट वो क्वालिटी वहाँ पे गिर जाती है, मैंने ट्राई किया है, क्वालिटी फिर वही ब्लर हो जाता है। फिर सबसे बेस्ट है ये, देखो मैं इमेज लगा रही हूँ, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट एज पेज बैकग्राउंड, और ये देखो आपको ये प्रॉपर वो आ गया, बैकग्राउंड आ गया, सेट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये देखो स्टाइल में हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करते पहले, और आपको ये ना नॉन है, आप फिल्टर यहाँ पे यूज कर, ये फिल्टर आप यूज कर लेना सबसे भाई, क्योंकि हमको टेक्स्ट फॉर्म में चीजों को दिखाना है, हाईलाइट करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है ना, हमको इमेज को नहीं दिखाना है, इमेज बस एक अट्रैक्शन के लिए है, हमको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। तो मैं ये टिंट जो है लिखा है यहाँ पे, ये चीज यूज करता हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है, कुछ भी यूज करो, मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है, अब चलो हमारा कंटेंट ये है। ठीक है, अब ये क्या करना है, यहाँ से हमको कंटेंट बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाना है वो हम देखते हैं, यहाँ पे कंटेंट पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ना मैं इसका टाइटल ही को, चलो ये क्या करता हूँ, सबसे पहले ये टाइटल को मैंने कॉपी किया, और मैं क्या करता हूँ सीधा वेब स्टोरी में गया यहाँ पे। तो हम टाइटल को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, टाइटल, सिर्फ टाइटल, ओके, क्योंकि टाइटल सेम होता है। आपको आपको पता है, अगर कोई भी न्यूज अगर आती है तो भाई कोई अलग से कोई नहीं, सबका चेंज कर देगा, कितना ही चेंज कर देगा, टाइटल सब सेम ही रहेगा, है ना, वही चीज है यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे जाएंगे हम इंसर्ट में, ये टी लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे जाएंगे और टाइटल टू यूज करते हैं। ठीक है, टाइटल टू यूज करता हूँ, या टाइटल 3 आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल 2 यूज करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम यहाँ पे कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ऐसे देख सकते हो आप, फ्रेम में रखना है मतलब हमको। ठीक है, ये और इसके कलर वगैरह को भी चेंज कर, हाँ, बिल्कुल करते हैं, देखो ना आपको दिखाता हूँ, एकदम लाइव दिखाते हैं, इसलिए तो मैंने बैठा हूँ यहाँ पे। और ये सारी चीजें दोस्तों देखने के लिए लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, क्योंकि हम टाइम भी आप लोग देख सकते हो, 12:16 पे शूट हो रहा है, रात के 12:30 होने वाले हैं, और यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है, काफी ज्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूरी है, जरूर से कर देना आप लोग। अब ये देखो यहाँ पे मैंने फिट कर दिया इसको फ्रेम में, और यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको इसका कलर चेंज करते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको व्हाइट किया, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा इफेक्ट देने के लिए मैं एक और चीज और यूज करता हूँ, जो आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे स्टाइल में गए, इसमें गए, एनिमेशन में नहीं जाना, ये टेक्स्ट में भी रहना है, और जो ये है टेक्स्ट बॉक्स करके, यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे एक फिल होता है, एक हाईलाइट होता है, मैं तो ये हाईलाइट यूज करता हूँ, वैसे रियली बताऊँ आप फिल भी यूज कर सकते हो, हाईलाइट भी। देखो कौन सा, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ फिल में, देखो आप देखो खुद अच्छा लगा ये, देखो कितना सुंदर बेहतरीन बन गया, टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा पूरा इससे, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा अभी इसी को यहाँ पे हाईलाइट कर देते तो थोड़ा ये कट लग जाता है, देखो इसी को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, देखो। और एक चीज और बता दूं, जो फर्स्ट स्लाइड होते हैं इसमें कोई भी एनिमेशन आप नहीं लगा सकते हो, ये पता नहीं ये प्लगिंग का ही वो रूल रेगुलेशन जो भी है, कि पहली स्लाइड में आप ऐसा कोई एनिमेशन ऐड नहीं कर पाओगे, सेकंड स्लाइड से ऐड कर पाओगे। ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है, जो भी है फर्स्ट स्लाइड में टाइटल हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बनाते हैं, अब फिर से यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे हम, और यहाँ से इमेज में जाएंगे, इमेज सेक्शन में, अब डॉलर मैंने सर्च किया है, अब डॉलर में कोई सा भी, चलो ये उठा ले, ये अच्छा लग रहा है, इसको फिर राइट क्लिक करते हैं और सेट एज बैकग्राउंड, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो। अब क्या करते हैं, अब असली चीज जो है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होती है कि कंटेंट को कैसे हमको राइट करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, देखो आर्टिकल स्पिनर सर्च करेंगे, यहाँ पे स्पिन बॉट यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हो आप, स्पिन बॉट सबसे बेस्ट है, हम भी यूज करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, देखो
दोस्तों यहाँ पे स्पिन बॉट के थ्रू मैंने इस आर्टिकल का जो पहला पैराग्राफ था इसको स्पिन करके ऐसे लिख लिया है। चलो अब चेक करते प्लेजरिज्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ब्लॉगरों की प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे प्लेजरिज्म चेकर में ना, और ये हम लोग डुप्लीकेट चेकर यूज करेंगे, dublichecker.com। इसमें से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके आर्टिकल का मतलब जो भी आपने कॉपी या फिर जो भी आप पेस्ट करोगे तो वो उसका जो प्लेगरिज्म है वो जीरो होना चाहिए या फिर 100% यूनिक होना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर में मैंने दे दिया, देखते हैं ये दिखाता है कि नहीं, कि कितना कंटेंट कॉपी है, कहाँ से है, सारा दिखाएगा यहाँ पे। चलो चेक करके देख लेते हैं, स्टार्ट हो गया है, स्कैनिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे 0% प्लेगरिज्म है यहाँ पे और 100% यूनिक हो गया है। ठीक है, सीधा अगर कॉपी पेस्ट आर्टिकल को मैं यहाँ पे किया होता तो वो दिखाता कि यूएसए साइट से यहाँ से कंटेंट उठाया गया, यूएसए टुडे का आ जाता। हाँ, और दोस्तों आप लोग काफी सोच रहे होंगे कि ये करना जरूरी है क्या, मतलब प्लेगरिज्म यूनिक आर्टिकल करना जरूरी है। जरूरी है, अगर आप ये चीज अगर नहीं करोगे तो आप रैंक नहीं करोगे, क्योंकि जो साइट ने इस आर्टिकल को लिखा है उसी वही ऊपर आएगा, आप ऊपर नहीं आओगे, फिर रैंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हल्के मत लेना। ओके, तो आपको प्लेगरिज्म में आकर उसको प्लेगरिज्म उसका 100% यूनिक कर लेना है। हाँ, अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम वेब स्टोरी बनाने का हेल्प जो भी लेंगे, देखो जो भी इसके पैराग्राफ है उसको हम डिवाइड कर लेंगे शॉर्ट टर्म में, जो भी इनके नॉलेज है। ठीक है, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसको हम एक एक स्लाइड में ऐड करेंगे। मैंने इस पहली लाइन को यहाँ पे कॉपी किया अपने स्टोरी वाले सेकंड स्लाइड में, यहाँ पे जाएंगे और ये पैराग्राफ में ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे पहले कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वाइट ही करेंगे यहाँ पे भी, और फिल करना है फिर। हाँ, फिल करना है, स्टाइल में जाएंगे यहाँ पे और फिल नहीं हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये ब्लैक रहेगा, थोड़ा खूबसूरती बढ़ानी पड़ेगी ना इसकी, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग इसको जितना ही अट्रैक्टिव बनाओगे उतना ही जो भी ऑडियंस आएंगे उतनी देर तक आपके इसको रीड करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड को भी पूरा रीड करेंगे तो ही उनको एड शो होगा। ठीक है, हाँ, तो आप इससे ज्यादा अर्निंग करोगे फिर। ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे हम ना सबसे एनिमेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे ये गए यहाँ पे और ये आप स्टाइल के जो बगल में मैंने इमेज वाले सेक्शन है ये, और ये मैंने यहाँ पे एनिमेशन इसको मैं किया, थोड़ा सा यूज करूंगा एनिमेशन फॉर्म, ये आप लोग देख सकते हो। ये मैंने ये बैकग्राउंड को दिया एनिमेशन, ये अब इसको दूंगा पहले, ये मैं ड्रॉप टेस्ट दे देता हूँ इसको, देखो अभी और थोड़ा खूबसूरत लगेगा। ये सेकंड स्लाइड हमारी तैयार होगी। ठीक है, थर्ड स्लाइड पे आते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, सीधा इमेज लेते हैं यहाँ पे, कौन सी इमेज ले, इनको ले लेते हैं। कोई नहीं, चलो ये डॉलर पे जो बने रहते हैं, क्या दिक्कत क्या है, सही है। हाँ, तो आप लोग को इमेज पे काफी ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें आपके वेब स्टोरी को काफी ज्यादा क्लिकी और अट्रैक्टिव बनाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से ऑडियंस उस पे रुके रहेंगे। हाँ, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब ये सेकंड जो स्लाइड हमने लिया था ये पार्ट में डिवाइड किया था, इसको कॉपी किया मैंने और इस यहाँ पे पेस्ट और इसको थर्ड वाली स्लाइड में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा इजी है भाई वेब स्टोरी बनाना, और इतने से काम करके आप काफी बढ़िया अर्निंग कर सकते हो यार, और काफी लोग कर भी रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग इसी यही सारी चीजें करके। केस स्टडी लाने का बस मतलब ही यही था आप लोगों को दिखाना है कि, क्योंकि हमने भी खुद किया है तभी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, यहाँ पे ब्लैक कलर यूज कर दूंगा। आप और भी चीजें प्रैक्टिकली जब करोगे ना तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको, मैं तो यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली। अब जब आप खुद ट्राई जब करोगे तो एक एक चीजें और सारी चीजें जो आप जब छेड़ोगे इसमें तो और भी चीजें निकल के आएंगी। हाँ, तो प्रैक्टिकली आपको करना ही पड़ेगा तभी आप और अच्छे से इसको कर पाओगे। थोड़ा सा जिम कर देते हैं आप, ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब इसको भी हम एनिमेशन दे देते हैं यहाँ पे, इसको एनिमेशन ही वाला देते हैं। चलो ये अच्छा रहेगा, और बैकग्राउंड वाले को ये देते हैं, लेफ्ट देते हैं, कैसा है, सही है। देखो स्मूथनेस आ रहा है इस एनिमेशन में। मैंने तीन स्लाइड बना के यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, एक तीन स्लाइड बस बना के दिखाई है, अभी फटाफट मैं सातों के सातों बनाता हूँ। ओके, तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भी सातों स्लाइड होता है उसमें हमने पूरा टेक्स्ट यहाँ पर फिल कर दिया। सातों स्लाइड मैंने बना लिया है प्रॉपर सही तरीके से, और बस एनिमेशन इसमें ऐड करना है मुझे, वो भी हो जाएंगे 2 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब सबसे बड़ा जो चीज यहाँ पे आता है, ठीक है, क्या करना होता है कि अगर आप आर्टिकल लिखते हो, मैं क्या करता हूँ कि पहले आर्टिकल लिखता हूँ और अपने आर्टिकल से ही
वेब स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब कहीं और से कॉपी क्यों करें जब अपना है खुद का। ठीक है, आपके पास, मुझे पता है आपके पास नहीं होगा तो आपको मतलब कॉपी करना ही पड़ेगा, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास तो मेरा कंटेंट है ना, तो मैं क्यों कॉपी करूँ कहीं और से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आर्टिकल से निकालने की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने ये पहला पेज है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे पब्लिक करते समय यहाँ पे कॉल टू एक्शन, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉल टू एक्शन में मैं वेब एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है, मैं यहाँ पे अपने आर्टिकल का लिंक, कोई भी जो मेरी वेबसाइट का जो आर्टिकल होगा यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, जिससे मैं वेब स्टोरी बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एक वे है, मतलब गुड वे है ट्रैफिक ले जाने का अपने आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका वो वेब स्टोरी वायरल हो जाता है, तो जितने भी उस पर ट्रैफिक आएगा तो वो सारा ट्रैफिक आपके आर्टिकल पे भी आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि जो जहाँ से मैंने ये कॉन्टेंट उठाया, मैं सीधा इसी आर्टिकल का लिंक देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दे दिया, डन। यहाँ पे आइकन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो क्या आइकन लगाना भी जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि दिखना तो चाहिए लोगों को क्या आप लगा रहे हो। ओके, ये लगा देते हैं, ये लॉटरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने आइकन यहाँ पे लगा दिया, ये लॉटरी से रिलेटेड लोटो यहाँ पे लिखा है। तो ये आइकन वेब स्टोरी में दिखता होगा ना शुरू में? हाँ, दिखता है। ओके, देखो यहाँ पे लर्न मोर करके यहाँ पे दिखा है, ये चीज दिख रहा है यहाँ पे। और ये आपको बीच बीच में हर जगह लगा देना, ये यहाँ पे मैंने लगाया एक बीच और में लगा, यहाँ पे लगा सकता हूँ यहाँ पे कॉल टू एक्शन यहाँ पे भी लिखा है। देखो हर पेज पे ये कॉल टू एक्शन रहेगा, यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो ये आर्टिकल। ये मैं ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो लर्न मोर आ गया। ठीक है, लगभग हमारा वेब स्टोरी यहाँ पे तैयार है, बस एनिमेशन दे देता हूँ फटाफट और यहाँ पे हम पब्लिश करते हैं इसको फटाफट से फटाफट। बहुत टाइम दोस्तों, देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा वेब स्टोरी बनाने, नहीं ऐसा नहीं है। आप कम से कम 10 बनाओ वेब स्टोरी, गिन के आप देखो खुद एक्सपर्ट हो जाओगे बनाने में। हाँ, शुरू में आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। आप मान लीजिए आप एक वही चीज़ अगर डेली करने लगोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप दिन का बहुत ज़्यादा भी वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, 10 तो आराम से आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और पूरा प्रोसेस आप देख ही रहे हो स्टेप बाय स्टेप। और लाइक यार कर देना ज़रूर से, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है हमारे इस वीडियो का, क्योंकि अब हम इसको करेंगे पब्लिश। और पब्लिश करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, ताकि आपका वेब स्टोरी ज्यादा रैंक करे, ज्यादा उस पर ट्राफिक आने के चांसेस बढ़े, तो आइए अब हम लोग जानते हैं। देखो, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा स्लाइड बना सकते हो तो वो बहुत बेस्ट रहेगा आपको एड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, मतलब आपका जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर स्लाइड अगर ज़्यादा करते हो। अगर आप 5-6 स्लाइड देते हो तो एक ऐड आएगा, एक से एक ही ऐड आएगा, ज़्यादा ऐड नहीं आएगा। वही अगर स्लाइड बढ़ाते हो तो 1-2-3 ऐड आएंगे बीच बीच में, है ना, तो आपकी अर्निंग उस हिसाब से बढ़ेगी फिर। तो यहाँ पे हमारा वेब स्टोरी एकदम प्रॉपर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तैयार है, और इसको हम पब्लिश करते हैं सीधा, और कोई दिक्कत नहीं है, सारा हो चुका है, सारा ऑल सेट है। ओके, तो और कुछ भी हमें करना रहता है क्या इसमें? हाँ, दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज है, लास्ट में ध्यान रखना, यहाँ पे ऐड टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइटल देना है। यहाँ पे मैंने ये जो टाइटल इनका उठाया था, आपको यही टाइटल यहाँ पे दे देना है, ये मैंने दे दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या यहाँ पे आपको दिखाएगा, अभी देखो चेकलिस्ट से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चेकलिस्ट में दिखाता है कि क्या क्या अभी रह रहा है जो आपको करना है पूरा, मतलब कोई भी अगर चीजें अधूरी हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तो काफी अच्छी चीज है फिर। हाँ, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो टाइटल है थोड़ा छोटा कीजिए, काफी ज्यादा बड़ा है, छोटा टाइटल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स, यहाँ पे कीवर्ड्स यहाँ पे कम कर देता हूँ, देखता हूँ। ये देखो खुद ले लेता है, ले लिया। एक्रॉस यहाँ पे डॉट डॉट दे देता हूँ मैं, ऐसे आप डॉट डॉट भी दे सकते हो। हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है हमको, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चेकलिस्ट में ही, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो आपका ये हमने स्पिन किया था, यहाँ से आप ये उठा सकते हो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा हाइप बनाने के लिए। समझ रहे हो? ओके, ये यहाँ पे हाइप बनाने के लिए मैं बस, क्योंकि चीज़ें वही हैं, बस घुमा फिरा की चीज़ों को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन एज अ बस वो एक ना होता नहीं है, एक SEO फ्रेंडली वेब स्टोरी बना रहा हूँ यहाँ पे, बस उसके थ्रू। यहाँ पे पोस्टर इमेज भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आपको दिखना, आपकी वेब स्टोरी दिखे, जो स्क्रीन पे आती नहीं है स्लाइड पे, मतलब वेब स्टोरी पे क्लिक करने से पहले जो इमेज आती है वो यहाँ पे आती है। ये देखो ये इमेज है मेरे पास, देखो लॉटरी से रिलेटेड, इसको मैं यूज करूँगा मैं। ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट एज कर दूँगा पोस्ट, यहाँ पे मैं इमेज, यहाँ पे मेरा पोस्टर इमेज लग चुका है, सारी चीज़ें फुल पे। देखो चेकलिस्ट एकदम 0-0 है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। आप यहाँ पे जब पब्लिश करोगे ना खुद भी चेकलिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे एक बार चेक जरूर कर लेना और जो और वहाँ पे टिक भी आ चुका है ये सारा सही है। हाँ, और यहाँ पे आपको 7 सेकंड से ज़्यादा मतलब एक स्लाइड को देना है तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो अपना ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे टैग भी देख सकते हो आप प्लॉटी से लेकर, अगर टैग वगैरह है आपके आपको पता है टैग डालना जरूरी है क्या इसमें? अरे हाँ भाई, रैंक हो जाएगा ना। आप मान लीजिए कोई वर्ड कोई कीवर्ड एक चीज और एक चीज उसमें दिख रहा है मोस्ट यूज्ड, नीचे कुछ कीवर्ड्स भी लिखे हुए आ रहे हैं देखो। हाँ, ये जो है ना ये हमारे आर्टिकल के कीवर्ड है जो हम वेब स्टोरी में यूज कर चुके हैं मोस्ट यूज्ड है। मैं ये सारी कीवर्ड यूज कर चुका हूं। ओके अपने वेब स्टोरी। अच्छा, इसके ऊपर एक कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है तो कैटेगरी भी हमें डालना है क्या? दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देता नहीं हूँ वैसे, आप दे सकते हो। ओके, कैटेगरी ये पता है किसका है? कैटेगरी जो आपका जो साइट है ना वेबसाइट, उनकी कैटेगरी यहाँ पे किस कैटेगरी में आपको देना है इसको इस वेब स्टोरी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? सीधा पब्लिश करते हैं। ये पब्लिश करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। सीधा ये पब्लिश किया, ये देखो आ चुका है, सारी चीजें एकदम ऐसे दिखेंगी ठीक है। डन है। नीचे यहाँ पर चेक का भी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, ये चेक लिस्ट आ रहे हैं देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा ये करते हैं पब्लिश, यहाँ पे वेब स्टोरी पब्लिश हो रही है और आपको अभी दिखाते हैं। देखो ये पब्लिश स्टोरी पब्लिश हो गई है ठीक है। अब इसको अभी खोल के दिखाते हैं ये स्टोरी दिखेगी कैसे आपको। व्यू स्टोरी पे क्लिक करते हैं और ये खुल रही है देखो। ये रहा फाइनली हमारा स्टोरी तैयार हो गई है देखो। एनिमेशन जो हमने ऐड किया है देखो ये देखो। तो इस तरीके से जो आपका वेब स्टोरी है वो शो होगा, कोई भी अगर आपके वेब स्टोरी पे क्लिक करता है तो इस तरीके से शो होगा है ना। हाँ। तो अब हमारा पूरा काम फाइनल हो चुका है क्या? यस। इसके बाद भी हमें कुछ करना है? नहीं, अब कुछ नहीं करना। आपको ऐसे कम से कम दिन में 10 वेब स्टोरी बनानी है, कम से कम 1-2 घंटा आपको यहाँ पे टाइम देना है। ट्रैफिक आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अभी चीजें मैं दिखाऊंगा ना अपने सर्च कंसोल से दिखाता हूँ, तब आपको यकीन होगा। तो आइए देख भी लेते हैं हम लोग, अब सर्च कंसोल में थोड़ा चलते हैं और अपना डाटा आपको दिखाते हैं। चलो चले, स्टोरी पब्लिश हो चुकी है यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सर्च कंसोल में और यहाँ से आपको पूरा हमारा वेबसाइट का डाटा दिखाया जाएगा ठीक है। तो इस बात पे भी लाइक बनता है यार, क्योंकि पूरा सब कुछ हम आपको खोल के दिखा रहे हैं और ये पूरा वेबसाइट हम पब्लिकली रिवील भी कर रहे हैं। देखो सबसे वेब स्टोरी से अर्न करेंगे सबसे जरूरी है डिस्कवर बटन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिस्कवर बटन इनेबल होना बहुत जरूरी है। और आप इंडिया में अगर स्टार्ट कर रहे हो आप तो आपको क्या करना है, पहले इंडिया का जो भी इंटरटेनमेंट कैटेगरी है जो भी मूवीज वगैरह है फिर जो भी। अच्छा हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि डिस्कवर वाले जो ये बटन है इसको इनेबल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको जो भी हॉट टॉपिक्स है लोग ज्यादा जो भी मतलब आपको डिस्कवर में जो चीजें ज्यादा दिख रही हो उनके ऊपर वेब स्टोरी बनाओ, ये डिस्कवर बटन इजीली मिल जाएगा एकदम इजीली। ओके, हमको भी मिल ही रखा है देख सकते हो आप है ना। अब हम दिखाते हैं डिस्कवर से हमारा ट्रैफिक कितना है, लास्ट 3 मंथ का इतना है, अभी हम लोग काम नहीं कर रहे, देखो काम नहीं हो रहा है तो भी सब डाउन है। देखो मैंने जब काम किया तो मेरा ग्राफ देख सकते हो आप लोग, देख लो जहाँ जहाँ मैंने डाला है वो ग्राफ काफी ऊपर गया है ठीक है। और ये लास्ट 3 मंथ का है, कुछ आपको पहले का डाटा थोड़ा दिखाते हैं लास्ट 12 मंथ का। 12 मंथ से देखते हैं, देखो 12 मंथ का ये डाटा आप टोटल देख सकते हो, टोटल इंप्रेशन वहाँ पर आपको दिखाते हैं, नीचे दिखा भी। चलो देखो ये देखो वेब स्टोरी। देखो मैंने एक यहाँ पे एफिलिएट किया था कैनन 200D Mark रिव्यू, मतलब एज अ रिव्यू किया था यहाँ पे, मैंने इसमें एफिलिएट लिंक दिया था जो मैंने आपको दिखाया नहीं था वहाँ पे लिंक जहाँ पे कॉल टू एक्शन में, तो उसमें वेबसाइट की जगह एफिलिएट लिंक दे दो आप, वहाँ से आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज काफी ज्यादा दोस्तों शानदार है, आप इसे अमेजोन एफिलिएट भी कर सकते हो एंड अफिलिएट के थ्रू भी काफी बढ़िया पैसा निकाल सकते हो आप लोग ठीक है। ओके गाइस, फाइनली यहां तक आपने पूरा गूगल वेब स्टोरी का पूरा फुल प्रोसेस देख लिया, हमने हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया, पूरा लाइव आपको एक वेब स्टोरी क्रिएट करके और उसको पब्लिश करके भी दिखाया है। और उसके बाद हमने अपने गूगल सर्च कंसोल का डाटा भी आपको दिखाया और डिस्कवर का जैसा कि आपने जो डाटा देखा उसमें अभी के टाइम में जो ट्रैफिक आ रहा है पूरा जीरो था ठीक है, क्योंकि हम कई दिनों से गूगल वेब स्टोरी पे काम नहीं कर रहे थे। बट हमने जिस वेब स्टोरी को क्रिएट किया आपके हमने जो वेब स्टोरी को हमने पब्लिश करके आपको दिखाया उस वेब स्टोरी के ऊपर अभी के टाइम में दोस्तों ट्रैफिक आ रखा है। और यही चीज दिखाने के लिए मैं फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं और इस वीडियो को मैं 2 दिनों के बाद शूट कर रहा हूं और 2 दिनों में उस गूगल वेब स्टोरी जो हमने क्रिएट किया था उस पे दोस्तों ट्रैफिक आना शुरू हो चुका है ठीक है। तो अब जो हमारा ग्राफ जीरो था वो ऐसे उठ गया है, तो वही चीज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर आपको गूगल वेब स्टोरीज का पूरा ए से लेके जेड तक का जो भी प्रोसेस होता है पूरा डाटा हम आप
आपके साथ शेयर करेंगे और लाइव आपको ट्रैफिक लाकर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और सबसे पहले प्रूफ दिखाता हूँ जो हमने गूगल वेब स्टोरी को क्रिएट किया था उस पर ट्रैफिक आया है या फिर नहीं, ठीक है। तो वो चीज देखने के लिए यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब मार लो क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप पैसे कमाना तो सीख ही जाओगे, पक्का मैं श्योर हूं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाते हैं, उसके बाद हम आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे। वेब स्टोरी के रिलेटेड काफी सारे आपके डाउट्स भी आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी जब बिगिनर था तो मेरे भी मन में काफी सारे डाउट्स आते थे, तो वो सारा डाउट्स अभी हम भैया के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको अमेज़न एफिलिएट का भी डाटा दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एफिलिएट से भी यहां पर पैसे बनाए गूगल वेब स्टोरी के थ्रू, तो आइए आपको सारा चीज एक बार दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपना एक वेबसाइट रिवील किया था mobilegyans.com जिसका नाम है, इसके अलावा और भी हमारे कई सारी वेबसाइट है जिसपे हम वेब स्टोरी के थ्रू काफी बढ़िया पैसा बनाते हैं, बट इस वीडियो के अंदर हमने इसी वेबसाइट को रिवील किया है, ठीक है। और भी अगर हम अपनी वेबसाइट को रिवील करते हैं तो उस पर डीडोस अटैक होने लगते हैं जैसा कि आपको पता है, तो वो वेबसाइट हमें काफी अच्छा अर्निंग देती है तो इस वजह से हम उनको रिवील नहीं करना चाहते। बट हाँ, अगर देखेंगे अगर आने वाले टाइम में अगर आप लोग का प्यार ज्यादा देखने को मिलता है और अगर आप और भी कुछ चीजों का डिमांड करते हो तो उस हिसाब से हम वो वाली वेबसाइटें भी रिवील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं अपने लॉगिन करते हैं इसको, यहाँ पर देख सकते हो वर्डप्रेस में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वर्डप्रेस में आ चुके हैं, यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको हर एक चीज का डाटा अभी दिखा रहा हूँ और जो लोग भी सोचते हैं कि यार गूगल वेब स्टोरी काम नहीं करता है या फिर बेकार है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर काम करते हो सही से तो आपको रिजल्ट जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये देख लो, ये रहा हमारा वेबसाइट, यही वेबसाइट को हमने दिखाया था। तो अब चलिए चलते हैं साइट किट में। और हाँ, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना जहां पर हमने गूगल सर्च कंसोल का डाटा दिखाया था, जब हमने उस वेब स्टोरी को पब्लिश किया था तो उसके बाद ही हमने डिस्कवर का डाटा भी आपको दिखाया था, तो उसमें जो डाटा था वो अभी करेंट टाइम में 0-0 था और वही डाटा अब ऊपर जा चुका है 2 दिनों के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 दिनों तक मैं इसीलिए रुका था, इस वीडियो को मैंने लाइव नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यार जैसे ही डाटा अपडेट हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग को यार ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए ना भाई, तो इसीलिए मैं रुका हुआ था, ठीक है। तो आइए चलते हैं सर्च कंसोल में, सर्च कंसोल में चलते हैं और यहाँ से जाएंगे आप लोग, हम लोग जाएंगे डिस्कवर में और डिस्कवर का डाटा दिखाने के बाद मैं अमेजोन यहाँ पर खोल के रखा हूँ। देखो अमेजोन का भी अफिलिएट अर्निंग आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, ये देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्कवर में चलते हैं। हाँ, और यहाँ पर देख लो www.mobilegyans.com वही वाला है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो डिस्कवर में आने के बाद ये लास्ट 3 मंथ का डाटा दिखा रहा है और देखो यहाँ पर जो डाटा था ये 0-0 था जब हम वीडियो को शूट कर रहे थे, जब आपके सामने हमने डिस्कवर का डाटा दिखाया था वेब स्टोरी को पब्लिश करने के बाद। तो थोड़ा सा वीडियो को अगर आप पीछे करके देखते हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लास्ट 28 डेज का कर लेता हूँ, तो यहाँ पर लास्ट 28 डेज का आपको डाटा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये तो पहले का है भाई, जुलाई का ये डाटा है, ठीक है। और हमने जो दिखाया था वो यहाँ पर 0-0 था, देखो 0-0 है। और जब हमने वीडियो को शूट किया था 9 अगस्त को हमने वेब स्टोरी क्रिएट करके उसको पब्लिश करके भी दिखाया था, तो 9 अगस्त को देखो 9 अगस्त को भी 0 था और उसके बाद ये ट्राफिक देखो कैसे बढ़ गया है ग्राफ, आप लोग देख सकते हो। और इतने दिनों में देखो ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है और अभी ये और ऊपर जाएगा, वेब स्टोरी का यही है दोस्तों, कब ग्राफ पूरा ऊपर चला जाए, धीरे धीरे भी जाता है बट अचानक से बूम भी हो जाता है। और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देख के समझ में आ रही होंगी। तो ये है दोस्तों पूरा डिस्कवर का डाटा, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया और इस बात पे एक लाइक कर देना। अब आइए आपको अफिलिएट वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाते हैं अमेजोन में, तो अमेजोन में आने के बाद यहाँ पर अर्निंग का ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला टैब खुलेगा और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ बट क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला टैब वहाँ पर ओपन हो रखा है, तो मैंने उस टैब को ओपन करके रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद अमेजोन अफिलिएट से भी जो हमारी अर्निंग हो रही है वो लास्ट 38 डेज का देख सकते हो, सॉरी 30 डेज का, यहाँ पर कट कर देते हैं। तो देखो 30 डेज में 330 रुपये की अर्निंग हुई है, ठीक है। और ये ग्राफ दोस्तों ऊपर भी जाता है नीचे भी जाते रहता है, तो यहाँ पर देखो अर्निंग काफ़ी सही ठीक ही हो जाता है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना कि मैं पेमेंट हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ, पेमेंट हिस्ट्री में आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा कि अमेजोन अफिलिएट से हमारा कितना पैसा आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -1200 है और ये 1700, ये देखो फिर 1000 और ये 1800 और ये देखो 4900, भाई 5000 के करीब भी हमने अमेजोन अफिलिएट से पैसे बनाए। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, पूरा मैंने आपको पेमेंट हिस्ट्री भी दिखा दिया, ठीक है।
तो ये दोस्तों Amazon Affiliate का डाटा। अगर आप Google Web Story का हेल्प लेके Amazon Affiliate भी करते हो तो आप बहुत ही अच्छा पैसा बना लोगे। आप Web Story के थ्रू बहुत सारी चीजें कर सकते हो। Web Story से पैसा तो बनाओगे ही, साथ ही में अगर Amazon Affiliate करना चाहते हो तो वो भी उसमें हो जाता है, ठीक है। और वहीं से हमने ये सारी चीजें क्रिएट की यानी बनाई है। तो यही है दोस्तों, पूरा मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, लाइव डाटा। अब आइए कुछ आपके डाउट्स होंगे जो कि भैया के थ्रू आपके क्लियर करते हैं। और यहाँ पे सारी चीजें मैंने रिवील की और एक एक चीज मैंने अच्छे से बताया है, सारी चीजें अच्छे से दिखाई। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कॉमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मेरे कुछ डाउट्स हैं और मुझे लगता है कि ऑडियंस के भी यही थोड़े मोड़े डाउट्स बचे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इसको पब्लिश कर देते हैं, अगर ये वेब स्टोरी हमारा पब्लिश हो जाता है, हाँ? तो क्या चांसेस है कि इस पे कब से कितने दिनों में, अगर हम नए वेबसाइट पे काम करना शुरू करते हैं तो कितने दिनों में इस पे ट्रैफिक आना हमें मिल सकता है? देखो, कहने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक चीज मैटर करता है कि आप किस चीज के ऊपर बना रहे हो। बस अब मान लीजिए काफी सारी न्यूज ऐसे भी होते हैं ना जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं। हाँ। जैसे कि अभी इंडिया के अंदर भी काफी सारे ऐसे न्यूज है, जैसे कि बिग बॉस अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अगर बिग बॉस के ऊपर अभी आप वेब स्टोरी क्रिएट करते हो तो जाहिर सी बात है उस पे ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो वही है कि आपका नीच भी और आपका जो कैटेगरी है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है, और आप किस चीज को बना रहे हो, किस चीज को टारगेट कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके बनाना है, देखते रहना है कि यूएसए में क्या चीजें चल रही हैं। मैं यहाँ पे वो देना चाहूंगा, क्लू पॉइंट दूंगा यहाँ पे। आप फाइनेंस में ज्यादा कोशिश करना घुसने की, वो भी यूएस में। इतना तगड़ा रेवेन्यू बनाओगे ना, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाओगे। अगर कम भी व्यूज आ रहे हैं ना, जैसे कि हमारे देखो उतने ज्यादा ट्रैफिक नहीं है बट काफी ज्यादा मतलब सही है देखा जाए तो, तभी भी इतने में ही काफी अच्छा रेवेन्यू बन जाता है। क्योंकि सारा ये जो ट्रैफिक है वो बाहर की कंट्री का है, सारा टीयर वन कंट्री का ट्रैफिक है, इस वजह से आरपीएम सीपीसी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। yes. तो आपको क्वालिटी चीजों पे ध्यान देना है, ना कि आपको ऐसा नहीं है कि बस आपको ट्रैफिक लाने के बारे में सोचना है। आप क्वालिटी वाला चीज देखो कि क्वालिटी ऑडियंस आपको कहाँ मिलेगी और वो ट्रैफिक अपने पे लेकर आओ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा डाउट हमने तो क्लियर कर ही दिया होगा और पूरा वेब स्टोरी बनाने का प्रोसेस भी हमने आपको बता दिया। बाकी आपको सबसे पहले एक डोमेन और होस्टिंग परचेस करना पड़ता है, और होस्टिंगर से आप होस्टिंग को अगर परचेस करते हो तो वहां पर आपको एक डोमेन फ्री देखने को मिलता है, ठीक है। और होस्टिंगर आपको काफी ज्यादा चीप प्राइस के अंदर काफी बढ़िया सर्विस देता है, पैकेज देता है। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, एक डाउट मेरे मन में और आया है। मान लो अगर किसी का हिंदी वाला वेबसाइट है और वो उस पे चाहता है कि मैं वेब स्टोरी काम करना शुरू करूं उसी वेबसाइट के ऊपर, हाँ, कर सकते हैं। तो क्या उस पे ट्रैफिक आएगा? बिल्कुल आएगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% गारंटी लेता हूं कि आएगा। बस चीजों को सही से करना, ज्यादा शॉर्ट लेने की जरूरत, मतलब ये मत सोचना कि मतलब बहुत इजीली कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं चल जाएगा, ऐसा नहीं करना, थोड़ा समझ के दिमाग लगा के करना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी। इवन यहाँ पर हमने अपने प्लगइन्स और अपने वेबसाइट का भी डाटा आपको शो किया है, और एडसेंस तो हमने आपको दिखाई दिया। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको काफी अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाना, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी आप हमारा ये वाला पॉडकास्ट जरूर से चेकआउट करना। इस वाले पॉडकास्ट के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने 1 crore का रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भी सिर्फ 4 से 5 महीनों के अंदर। तो इसको भी देख सकते हो आप लोग। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।